गुलरिहा पुलिस ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गुलरिहा बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मन्नू उर्फ विदुर पुत्र पन्नेलाल निवासी छोटी रेतवहिया जंगल धूसड़ थाना पिपराइच गोरखपुर, दूसरा झीनक पुत्र रामजन निषाद निवासी हसनगंज जंगल धूसड़ थाना पिपराइच गोरखपुर, तीसरा शिव कुमार गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी मंझरिया जंगल धूसर थाना पिपराइच गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 24 अप्रैल को आवेदिका अपने देवर के साथ करीब 9 बजे रात्रि को मोटरसाइकिल से पीजीआई लखनऊ डॉक्टर को दिखाने हेतु जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड गोरखपुर जा रहे थे कि बरगदही केवटान टोला के पास सड़क पर एक मोटरसाइकिल सफेद रंग से 3 व्यक्ति जिनके द्वारा आवेदिका का पर्स जो कि एप्पल कंपनी का मोबाइल 8,000 रुपए तथा दवा की पर्ची थी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट लिया गया, जिससे आवेदिका सड़क पर गिर पड़ी, जिसके संबंध में थाना गुलरिहा में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए हर मुखबिर की सूचना पर गुलरिहा बाजार नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किए। इतने में तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे कि पुलिस द्वारा घेराबंदी कर तीनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब, हम तीनों लोग मिलकर आने जाने वाले राहगीरों से लूटपाट व छिनैती का काम करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए देसी तमंचे का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग दिनांक 20 अप्रैल को रात्रि 9 बजे बरगदही बाजार में अपने साथियों के साथ एक महिला पुरुष जो मोटरसाइकिल से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे तथा बुर्का पहनी थी जो अपने कंधे में काला बैग लटकाई थी जिससे हमने छीना था। बैग के छीनते समय महिला मोटरसाइकिल से रोड पर गिर गई थी। उस बैग से एक मोबाइल व 8,000 रुपया मिला था तथा दिनांक 13 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास कोल्हा पेट्रोल पंप के आगे फुलवरिया गाँव के पास एक साइकिल सवार से हम दोनों लोगों ने 20,000 रुपए लूटा था तथा दिनांक 6 अप्रैल को शाम 4 बजे बरगदही बाजार से ही एक महिला से गले की चैन छीन लिए थे, जिसको नेपाल ले जाकर 10,000 रुपए में बेचे थे, जिनके पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल लूट का 8,250 रुपए नगद बरामद किया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अमित कुमार दुबे, भटट चौकी प्रभारी रूपेश कुमार पाल, उप निरीक्षक अमित राय, दीन बंधु प्रसाद, हेड कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल दीपू प्रसाद, आशीष सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव, विश्वजीत सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हम बताओ क्या कर रहे हैं। अरे सब ये सबसे कर रहे हैं दिनांक 20 अप्रैल को आवेदक सुलेमान अपनी भाभी के साथ मोटरसाइकिल से बस स्टैंड जा रहा था। वहीं रास्ते में 3 व्यक्तियों द्वारा जो कि सफ़ेद अपाची पर सवार थे, उसका बैग और एप्पल फ़ोन आईफोन छीन लिया गया। इस पर प्रभारी निरीक्षक गुलरिया ने टीम बना करके और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुन्नू, दूसरा झीनक और तीसरा गोलू, ये तीनों
पुराने लुटेरे हैं और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इन तीनों को गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया है। मोबाइल फ़ोन और उसके कागज बरामद किए गए हैं, साथ में नगद पैसा भी बरामद किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी भविष्य में की जाएगी। किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? ये अपनी मोटरसाइकिल से, बाइक से, जो अच्छी बाइक, एक तो अपाची या पल्सर का इस्तेमाल करते थे, और रास्ते में जो भी इस तरह सुनसान में कोई महिला या व्यक्ति दिखता था उससे छिनैती करते थे। मुन्नू इसका मास्टरमाइंड है, जो पशु तस्करी में भी लिप्त रहा है। ये लूट का ही अभ्यस्त अपराधी हैं लूट के, और जो इसमें मुन्नू है वो पशु तस्करी में भी जेल गया है।